चंदौली में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुगलसराय पुलिस टीम ने 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि थाना मुगलसराय से कुछ दिन पहले जो पाठक है उनके द्वारा फायरिंग करके पाँच की दुकान भी पाँच दुकान लगाते हैं वहाँ पर जो फायरिंग की गई थी उसमें फायर गई थी जब उनको चार एक हॉस्पिटल में गया तो उसको आगे रेफर कर दिया गया वहाँ पर इलाज के बाद वो जान बच पाई थी उनकी। तत्काल पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी उनके दो सहयोगियों को पुलिस ने पकड़ के जेल भेजा था। उसके बाद इनको बच्चे का इनाम किया था लगातार प्रॉपर्टी की जानकारी करते हुए सभी पर लगातार कार्रवाई के लिए कल इनके ही जो अधिकारियों के द्वारा संपर्क किया गया और चाहूँगा कि इसको अपनाते हुए कई अपना आपको थोड़ा सा करना चाहते हैं तो उनसे जो बात की गई इनके द्वारा आज सुबह जो है दिन के टाइम पर राजस्थान अंदर किया गया है वो इनके द्वारा तैयार यूज किया गया था वो भी अपने साथ लेके आए हैं वो भी उन्होंने कब्जे कर दिया। सभी विधवाओं को देखते हुए सभी चीज़ को हमने बरामद करते हैं तत्काल मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करेंगे रिमांड पे देखेंगे। मुझे घटनाक्रम में जो बताया गया इनके द्वारा कि ये अकेले ही थे और वहाँ पर कुछ तास होने के बाद दोबारा फायरिंग की गई है तो सभी चीज़ों को देखते हुए उनका कार्य इतिहास को देखते हुए जो इनके ऊपर सपोर्ट है और कार्रवाई है पुलिस द्वारा फायरिंग की जाएगी। फायरिंग करने का क्या कारण जो प्रमुख कारण अभी समझ आ रहा है कि कुछ तो लेन देन इनका पुराना चल रहा था पान के जो कोविड के टाइम के ऊपर कुछ पानी जो इनके द्वारा लिया गया था उसकी पेमेंट कुछ पेंडिंग चल रही थी उसी को लेकर बार बार इनके बीच में कुछ महीना उस पान की तरह से होती थी और वो उस दिन कुछ ज़्यादा हो गए जिसके कारण इनके द्वारा वहाँ फायरिंग की गई और फायरिंग करके तत्काल ही वहाँ से निकले हैं और वहाँ से निकलते हुए अपनी गाड़ी पर भी छोड़ दी गई जो गाड़ी उसमें उपयोग हुई थी वो पुलिस ने उसी एक दो दिन के बाद बरामद भी कर ली थी और अभी गाड़ी पहले से पुलिस की बरामद की जाता है और जो अब इनके असला ही उन्होंने जो यूज़ किया था वो भी पुलिस के पास आज बरामद हो गया है और इन सभी बिंदुओं को इकट्ठा करते हुए सभी को फर्म में डालते हुए जो भी गाड़ी और असला है सभी को उसमें डालते हुए इनके ऊपर जो है पान व्यापारी के प्रॉपर्टी डीलर और इनके साथ में प्रॉपर्टी डीलर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि कोई पैसे का बड़ा लेन देन हो प्रॉपर्टी का या जमीन का ऐसी कोई ऐसी बात अब तक सामने नहीं आई है। जाँच अभी भी चल रही है लगातार जो चुरासिया भी उनकी फैमिली से संपर्क भी किया जा रहा है उनसे बात भी की जा रही है कि ऐसा कोई बड़ा लेन देन उनके द्वारा भी ऐसी कुछ बात नहीं बताई गई है कि कोई बड़ा पैसे की लेन देन था पैसा मात्र 5 से 6 हज़ार पे जो बताया जा रहा है कि कोविड के टाइम के ऊपर जो 5 से संबंधित भी था जो नहीं दिया गया था उसी को लेकर उनके बीच में सूत्रों के हवाले से पता चला कि पान विक्रेता के द्वारा पहले इन पर हमला किया गया।